बच्चों, जैसा कि हम लोग चार अक्षर वाले शब्दों में कुछ कुछ शब्द पढ़े हैं और मैं आज आप लोगों को दे रही हूँ जो कि आपके आने वाले PT1 एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी हैं। तो मैं इन पेजेस को दे रही हूँ, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, समान ध्वनि वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। तो ये दोनों तरफ आप लोग क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी में ये दोनों लिख करके उसके बाद आप लोग को जोड़े बनाना है। जैसे जगमग का डगमग, मलमल का खटमल, मलमल का दलदल होगा क्योंकि यहाँ मलमल मलमल, फिर यहाँ दलदल दलदल, यहाँ नभचर का यहाँ पर हो जाएगा जलचर, यहाँ अटकल अटकल, अब यहाँ पर होगा खटमल खटमल। ठीक है बच्चों, फिर अब यहाँ पर मखमल मखमल है, तब यहाँ पर दम कल दमकल हो जाएगा, पलटन पलटन, उबटन उबटन, जनमत जनमत, देखिए सहमत सहमत। अब यहाँ देखिए चटपट चटपट, यहाँ झटपट झटपट। सपोज आप लोग बच्चों, जैसे झटपट झटपट है और अगर वहाँ पर सरपट सरपट है और चटपट चटपट है, तो आप लोग किस में लगाइएगा, कौन सा समान ध्वनि होगा, सरपट सरपट होगा कि चटपट चटपट होगा झटपट का? तो सही जा रहे हो बच्चों, झटपट का समान ध्वनि चटपट चटपट होगा, ना कि सरपट सरपट, सरपट नहीं होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह भगवन भगवन, ठीक यहाँ पर आइए उपवन उपवन, इसमें कुछ मन की गलत है, लेकिन आप दोनों आप लोग को केवल ये दोनों करके उसका खुद से आप लोग को करना है। मैं आप लोग को बता दी और फोटो खींच करके मैं भेजूँगी। चलिए देखिए, यहाँ कुछ और नए शब्द हैं लेकिन इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ देखिए समान ध्वनि वाले, हल हल चल चल, मख मख मल मल मखमल, अट अट कल कल, मल 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 मल, दल 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 दल, दम दम कल कल। तो ये जो है समान ध्वनि वाले शब्द हैं। तो जिसको सुनने में कान एक जैसा लगता है कान का, ठीक है ना बच्चों? तो ये दो पेज की, और कल तो ये वाली हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये समान ध्वनि वाले और ये समान ध्वनि वाले जोड़े शब्द, ये आप लोग को करना है। ठीक है, चलिए अब इधर आते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें चित्र को देखकर शब्दों को सही कीजिए। तो आप लोग को चित्र को बनाना नहीं है, आप लोग को केवल ये जो लिखा हुआ है इसको करना है। जैसे कवटर कवटर है, लेकिन ये कवटर जो है गलत है। हम लोग करवट, ये भी इस बच्चे ने जो जिसकी मैं किताब ली हूँ ये गलत है, ये क र व ट करवट। ठीक, देखिए आप यहाँ पर ल म ह म लमहम है, लेकिन क्या हो जाएगा, चूंकि ये फोटो देख रहे हैं ना दवाई का है, तो क्या हो जाएगा, म म ल ह म मलहम। ठीक है बच्चों, फिर ये मट मठ पोटपट है, लेकिन यहाँ टमटम हो जाएगा। ये बच्चे इस बच्चे ने गर्तर कुछ कुछ गलत लिखा है। हाँ, इसमें इसने ठीक लिखा है, तनबर का बर्तन, ग अजर का अजगर, और यहाँ खटनट का यहाँ नटखट होगा, टनखट इसने और गलत कर दिया है। ठीक है, यहाँ उपवन होगा, उपनव है, तो या इसने और भी गलत लिखा है। तो ये सब देख लो बच्चों, कहटल है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, कटहल। हाँ, ये सही है। तो ये कुछ कुछ इसमें तो जिस बच्चे ने लिखा है वो गलत लिखा है, लेकिन आप लोग को सही करके लिखना है। अब खुद से नहीं हो पाएगा बच्चों, तो अपने मम्मी पापा दीदी भैया से आप लोग को हेल्प लेनी है। मैं पहले भी बार बार बोल रही हूँ, मैं फ़ोटो खींच करके भेजूँगी। आप लोग को फ़ोटो नहीं बनाना है, आप लोग केवल ये नीचे ये जैसे कवटर करके डैश दे करके तब करवट करवट लिखना है। ठीक है, ये PT1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी देखिए समान ध्वनि वाले शब्द, ये भी देखिए जैसे जगर है, तो इसके पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, अ, ओके। ये नपड़ है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अनपढ़। ये दरक है, इसमें भी अ लगा देंगे क्या हो जाएगा, अदरक। और नबन है, तो इसमें भी अ पहले लगा देने से क्या हो जाएगा, अनबन। ठीक इसी प्रकार न लगाने से बर्तन, उपवन, अचकन, उबटन। स लगाने से सड़सठ, सरकस, सहमत, सरपट। फिर म लगाने से मरहम, देखिए यहाँ फिर से मैं बता रही हूँ, मरहम भी होता है, मलहम भी होता है। फिर यहाँ टमटम, फिर देखिए यहाँ भी मल हम मलहम, चम चम चमचम। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग को खुद से बनाना है।
अब आइए अगले पेज में। देखिए सही अक्षरों को जोड़कर नया शब्द बनाइए, जैसे कसरत। कसरत यहाँ ये आपको दिया हुआ है, इसी में से आपको खोज खोज करके बनाना है। खटमल खटमल। अब जैसे यहाँ कल कल है तो यहाँ क्या लिखिएगा, क्या बच लिखिएगा कि बच कल होगा, कि अद कल होगा, कि बर कल होगा, कि शल कल होगा, या देखिए दम लिखने से दम कल दमकल, तो यहाँ पर द दम दम लिख देने से दमकल सही हो जाएगा। तो इसी तरह हर ये दो दो वर्ड को आप लोग कोशिश कीजिए सब जगह फिट बैठाने के लिए कि कहाँ पर ये शब्द फिट बैठेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मैं सारे पेजेस का फोटो खींच करके आपको भेज रही हूँ, आप लोग क्लास वर्क में और होमवर्क में इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।